Hello students, welcome back to your online classes. Our last online class topic is topic was parts of speech. In the part of speech, our second topic is verb. So let's start our today's class. A verb is a word or a group of words that shows what someone or something does, what state someone or something is in. In a simple way, we can say that the words that tell us what people and things are doing are called verb. यानी कि ऐसे words जो हमें किसी आदमी के बारे में या किसी वस्तु के बारे में ये बताते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, वो words क्या कहे जाते हैं? Verb कहे जाते हैं. Example: laugh, drink, eat, sit, stand, come, etc. जैसे कि ये काफ़ी कुछ एक वर्ब्स ली हैं मैंने, जैसे लाफ हंसना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, सम कम आना, एट्सेट्रा. इस तरीके की काफ़ी सारी वर्ब्स होती हैं जो हम पूरे दिन में अपने वर्क करते हैं. यूज़ अ वर्ब्स इन ए सेंटेंस. इन वर्ब्स का हम एक सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं देखते हैं. इंडिया वोन द क्रिकेट मैच. इंडिया ने क्रिकेट मैच जीता. यहाँ वोन क्या है? अपनी वर्ब है. A lion kills a deer. एक lion ने एक deer को मारा, या एक lion एक deer को मारता है, तो kill क्या है यहाँ पे? अपनी एक मारना verb है. We drink water. हम पानी पीते हैं. इस sentence में drink अपनी verb है. Now it's your second topic. Our parts of speech is verb. Now let's begin with third topic, pronoun. इसकी definition से शुरू करते हैं. Pronouns are those words which can be used to replace nouns. Pronouns वो words होते हैं जो noun की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे कुछ sentences में क्या होता है कि noun की जगह पे हम कुछ और words ऐसे होते हैं जिन्हें use करते हैं noun की जगह पे, तो वो क्या कहे जाते हैं? Pronoun कहे जाते हैं. Example से थोड़ा इन्हें और clear कर देते हैं. जैसे Riya and Nisha are good friends. Riya और Nisha अच्छे दोस्त हैं. दे लिव इन जयपुर. यहाँ वो जयपुर में रहते हैं. यहाँ दे जो वर्ड है वो आपका प्रोनाउन है. यहाँ हमने रिया और निशा को दोबारा लिखने के बजाय दे यूज़ किया है. सो दे अपना यहाँ पे क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ. जो रिया और निशा एक नाउन है, उनकी जगह पे रिप्लेस किया गया है. नेक्स्ट, देयर फेवरेट कलर इज़ ब्लू. उनका फेवरेट कलर ब्लू है. यहाँ पे वापस से रिया और निशा लिखने के बजाय हमने लिखा देयर, तो ये देयर भी क्या है? उनके लिए यूज़ किया जाने वाला एक प्रोनाउन है, जो रिया और निशा एक नाउन की जगह पे रिप्लेस किया गया है. प्रोनाउंस वैसे काफ़ी होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे. नॉर्मली हम जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में, वो इन्हीं में से होते हैं. लेकिन इनके आगे काफ़ी सारे टाइप्स बताए जाते हैं. जैसे प्रोनाउन जो होता है, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे नाउन के हमने टाइप पढ़े थे, बिल्कुल वैसे प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. नंबर वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नंबर टू, पोजेसिव प्रोनाउन. नंबर थ्री, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नंबर फोर, रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर फाइव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नंबर सिक्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. स्टार्ट करते हैं नंबर वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सेम एज इट्स सब्जेक्ट, देन वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दैट मीन्स अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसका ऑब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट के बिल्कुल सेम है, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर कर देते हैं. आई कैन डू इट माई सेल्फ. आई यहाँ पे अपना क्या है? प्रोनाउन. आई मीन्स होता है मैं. उसके बाद हमने यूज़ किया लास्ट में माई सेल्फ. माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद. तो आई और माई सेल्फ दोनों का एक जैसा मीनिंग रहा, मैं खुद. तो ये दोनों क्या रहे? एक दूसरे के सेम एज, इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है. तो यहाँ ये माई सेल्फ क्या रहा? अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सेकेंड अपना टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउन. प्रोनाउंस दैट आर यूज टू एक्सप्रेस पोजेसन आर नोन एज पोजेसिव प्रोनाउंस. ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज़ पर आपका पोजेसन आइडेंटिफाई करें, जैसे अधिकार होता है किसी चीज़ पे, हमें बताया जाता है कि ये किसकी है, तो वो ऐसे वर्ड्स क्या कहे जाते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. दैट कार इज़ माइन. दैट कार इज़ माइन. यहाँ माइन जो वर्ड है वो आपका क्या रहेगा? पोजेसिव प्रोनाउन रहेगा, क्योंकि इसमें किसी कार के लिए ये बोला जा रहा है कि वो कार मेरी है. मेरी है मतलब यहाँ मेरी होने के लिए वो उसके ऊपर अपना पोजेसन दिखा रहा है. नाउ
अपना थर्ड टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखते हैं क्या होता है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, जब हम किसी दो अलग लोगों के बीच में कोई एक रिलेशन सजेस्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ईच अदर जो वर्ड है वो यहाँ पे अपना रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ईच अदर एक दूसरे से, यहाँ दो अलग अलग लोगों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है और इसी रिलेशनशिप को रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोलते हैं, और जो वर्ड्स इन्हें एक्सप्रेस करते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट आर यूज टू इंडिकेट टू सम स्पेसिफिक थिंग आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट करते हैं, यानी इशारा करके किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, उसे बताया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दैट कार इज माइन, दैट कार इज माइन, इसका मतलब हुआ कि वो कार मेरी है। यहाँ पर कोई किसी कार की ओर इशारा करते हुए, उसे इंडिकेट करते हुए ये बता रहा है कि वह कार मेरी है। इस सेंटेंस में दैट आपका क्या रहेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। 5 नंबर पॉइंट है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। व्हेन वी वांट टू रेफर समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी मेंशन, देन वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स को रेफर करते हैं, मतलब एक ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई चीज़ जिसे आप पहले उस सेंटेंस में बता चुके हो, बाद में उसे पहले से मेंशन कर चुके हो, उसे दोबारा से उसी सेंटेंस में मेंशन किया जाता है, तो उन दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ही इज द टीचर होम एवरीबडी लाइक्स। ही इज द टीचर, ये वो टीचर हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है या जिन्हें सब लोग पसंद करते हैं। तो होम यहाँ पे क्या रहेगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा। यहाँ पे होम जो है वो फर्स्ट सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को जोड़ रहा है, और ये होम जो है ये एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि मतलब जिसे सब लोग पसंद करते हैं, तो ये किसके बारे में बता रहा है, ही, ये वो टीचर हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है। ये हो गया दोनों सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन क्रिएशन, जो है रिलेशन क्रिएट कर रहा है वो है होम, और ये हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट नंबर 6, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हेन वी वांट टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट समवन और समथिंग, देन वी यूज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो हम वहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, होम आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क मिलता है, जिससे इस सेंटेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की पहचान पता चलती है। दूसरा, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये WH वर्ड आपको मिलता है, जो आपको ये बताता है कि ये होम वर्ड आपका क्या रहेगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन रहेगा। यही होम रिलेटिव प्रोनाउन में भी यही WH वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन में ये WH वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, बीच में मिलते हैं, और जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है उसके अंदर ये WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलते हैं और अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।